अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजहर काजमी और आप देख रहे हैं काजमी एलीकॉम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि पैनल के कनेक्शन कैसे करते हैं। जी हां, एलसीडी एलईडी पैनल के एलवीडीएस के कनेक्शन कैसे करते हैं, एलवीडीएस इंटरफेस के जो पॉइंट्स हैं उनको हम देखेंगे। और सबसे पहले हम जिस पैनल पर बात कर रहे थे, ऑलरेडी दो वीडियो में शेयर कर चुका हूं। पार्ट वन में मैंने बताया था कि हमारे पास कौन कौन से आइटम होने चाहिए कि जिनके जरिए हम अपने एलसीडी मॉनिटर को एलईडी में टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम पैनल की इन्फो, पैनल के फीचर्स, पैनल की रेजोल्यूशन, उसके वोल्टेज कैसे चेक कर सकते हैं। यह तीसरी वीडियो है, इसमें मैं आप दोस्तों को आज बताऊंगा कि पैनल का इंटरफेस हम कैसे बना सकते हैं, उसके कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे देख सकते हैं, उसके बारे में आपको कंप्लीट मालूम होना चाहिए। अगर उल्टे कनेक्शन हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम है, पैनल आपका जल जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको गौर से देखिएगा। बेसिक नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले हमने उस पैनल की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है, डाटा शीट डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करें या ऑनलाइन देख लें, ये LTM170EU, इस पैनल पे हम काम कर रहे थे। लास्ट टाइम भी हमने इस पैनल की इन्फो चेक की थी। ये 17 इंच का पैनल है, तो इसकी हम पीडीएफ फाइल देख लेते हैं। काफी आसान है, मैंने पहले भी बताया था कि एक आम आदमी जिसको बिल्कुल भी नो हाउ नहीं है तो वो इस वीडियो को देखकर, इन जो भी ट्यूटोरियल मैं आपके दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो पहले इस वीडियो के दो पार्ट शेयर कर चुका हूँ, ये तीसरा पार्ट है, इन तमाम पार्ट्स को देखकर कोई भी इसकी असेंबलिंग कर सकता है। और अगर इन सारी चीज़ों का आपके पास कंप्लीट नॉलेज आ जाता है तो आप इसकी रिपेयरिंग भी इजीली कर सकते हैं। तो फ्यूचर में आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं रिपेयरिंग की भी बात करूंगा, इन जो यूनिवर्सल मॉड्यूल्स हैं इनको कैसे ट्रबल शूट करते हैं वो भी करेंगे। तो ये दोस्तों सबसे पहला लिंक पीडीएफ का पड़ा हुआ है, अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमारी पीडीएफ फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अगर ऑनलाइन आपने देखना है तो ये डाटा शीट कैटलॉग ये पड़ी है, ये आप जो है ऑनलाइन देख सकते हैं। तो यहां से हमने उसकी पीडीएफ फाइल डाटा शीट डाउनलोड कर ली। डाउनलोड करने के बाद हम उसे ओपन कर लेते हैं। तो ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखी हुई है, ये है जी पीडीएफ फाइल। तो इसमें मैं आपको बताता हूं जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, क्या हमने इसमें देखना होता है। सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रिकल फीचर्स, इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्योंकि पहले ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं कि इसके पैनल के वोल्टेज 5 थे, हमने इसकी रेजोल्यूशन वोल्टेज सब देख लिया था। इसमें थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कितने हम वोल्ट दे सकते हैं कि हमारा पैनल खराब ना हो। अमूमन जो यूनिवर्सल कार्ड होता है उसमें वोल्टेज फिक्स होते हैं, तो ये इसकी वोल्टेज डिटेल है, वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई। तो ये मिनिमम जो है 4.5 वोल्ट है, और वैसे टाइप जो है ये 5 वोल्ट की है, और मैक्सिमम 5.5 है, यानी प्लस माइनस 0.5 वोल्ट ये बर्दाश्त कर सकता है। अमूमन ऐसा होता है कि अगर गलती से कभी कभार आप 5 की बजाय 12 वोल्ट पे जम्पर सिलेक्ट कर लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए पैनल बर्दाश्त कर जाता है, उसको कुछ नहीं होता। लेकिन अगर ज्यादा देर लगा के रखेंगे तो इस पैनल के ऊपर फ्यूज होता है या वो उड़ जाएगा। अगर वो फॉल्टी नहीं होता, ब्रेक नहीं होता, तो आगे फिर इसका डाटा आईसी, डीसी टू डीसी आईसी सारे कुछ जल जाएंगे। तो ये हो गया। दूसरा जो इसमें हमने इम्पोर्टेंट चीज जो है वो देखनी है, बाकी इसमें सारी चीजें हैं इस पैनल के मुतालिक, अलिफ से ये सारा कुछ है इसमें, लेकिन हमने जो देखना है इनपुट टर्मिनल पिन असाइनमेंट, हमने ये चीजें इसकी देखनी है कि इसकी कौन सी पिन जो है, क्योंकि ये हमने देख लिया था कि ये 30 पिन कनेक्टर है, यहाँ पे 30 कनेक्शन इसके दिए गए हैं, ये पिन असाइनमेंट है। तो हमने यहाँ पे देख लेना है कि कौन सी पिन पे पावर सप्लाई है,
कौन सी पिन हमारी वीडीडी वाली है, पावर सप्लाई वाली है, जहां पे हमने 5 वोल्ट देने हैं। सबसे ज्यादा ख्याल आपने इन्हीं पावर सप्लाई वाली पिन्स का करना होता है। अगर पावर सप्लाई आपने उलट लगा दी तो फिर काम खराब हो जाता है। तो पावर सप्लाई सीधी होनी चाहिए, बाकी का कोई टेंशन नहीं है। बाकी जितने भी हैं डाटा के कनेक्शन हैं, इवन ऑड क्लॉक ग्राउंड, ये चीज़ें, इसका कोई मसला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी वीडीडी वीसीसी जो है वो ठीक होनी चाहिए। तो इस पैनल का जो एक नंबर पिन है वीडीडी है, दो नंबर भी वीडीडी है, तीन नंबर भी वीडीडी है, यानी ये तीनों पहली तीन पिन जो हैं इसकी पावर सप्लाई की हैं। चौथी पांचवी छठी ये नो कनेक्शन है, एनसी मींस नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं है, इन पे खाली हैं पिन। सातवीं पिन इसकी ग्राउंड है, यानी पहली तीन पिने पॉजिटिव या गर्म जिसे बोलते हैं टेक्नीशियन हजरात, और जो सातवीं पिन है वो ठंडी है, ग्राउंड है, नेगेटिव की है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। बाकी इसमें ये जो हैं इवन ऑड ग्राउंड क्लॉक ये चीज़ें हैं, तो इसमें बाकी चीज़ों का इतना मसला नहीं होता। वैसे भी जो यूनिवर्सल कार्ड है इसमें सारा कुछ सेट होके आता है। अगर कभी कभार कोई पैनल ऐसा आ जाता है जिसमें कोई थोड़ा बहुत फर्क है, तो इस वजह से मैं आपको ये डाटा शीट बता रहा हूँ कि आप यहाँ से देख के उसके कनेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो अब इसका हमारा डाटा शीट का काम ख़त्म हो गया, तो चलते हैं अपने पैनल की तरफ और कार्ड पे मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे हमने कैसे कनेक्शन करने हैं और किस तरह से वहाँ पे डिटेल हमें मिलेगी, और पैनल के ऊपर हमने किस तरह से देखना है कि हमारी एक नंबर पिन कौन सी बनेगी, कनेक्टर हमारा कैसे कनेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें चल के देखते हैं। जी दोस्तों, ये वो पैनल है जिस पे हम काम कर रहे हैं। 17 इंच का पैनल है, LTM 170 वाला मैंने आपको दिखाया है। मैंने आपको बताया था लास्ट अपनी वीडियो में कि इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन शीट लगी हुई होती है, इसके नीचे इसकी सोर्स पीसीबी या पैनल पीसीबी है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ क्योंकि हमने इसमें देखना है कि इसमें कनेक्शन किस तरह से किए गए हैं। तो कनेक्शन जो इसकी कनेक्टर लगा हुआ है उसकी एक नंबर पिन कहाँ से स्टार्ट होगी, तो ऐसा कहीं ना हो कि हम गलत लगा बैठें और फिर बाद में पछताना पड़े। तो ये वाली जो साइड है LVDS कनेक्टर की, ये इसमें लगती होती है, इसमें कनेक्ट होती है। कुछ पैनल्स में इस तरह कनेक्ट होगी और कुछ पैनल्स में इस तरह कनेक्ट होगी। तो ये जो रेड वायर्स होती हैं ये VCC को VDD को पावर सप्लाई को कनेक्ट करवा रही होती हैं। इन पे वोल्टेज होते हैं पैनल के पीछे, मैं कार्ड पे भी आपको दिखाता हूँ। तो हमने ख्याल करना है अगर ऐसे लगा रहे हैं तो ये हमारी राइट साइड पे है, ये वाला जो लगा रहे हैं तो ये छोटा सा एरो बना हुआ है। तो इस पैनल पे देखते हैं, छोटा सा एरो बना हुआ है, तो ये इसकी एक नंबर पिन होगी, यहाँ से इसकी एक नंबर पिन स्टार्ट होती है। जी दोस्तों, ये फिर इसकी VCC की पैनल को मैंने ओपन कर लिया है, और यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो, और ये वाली साइड जो है यहाँ पे ये VCC है, और ये इसकी जो साइड वाली पिनें होती हैं, साइड वाली, बिल्कुल साइड वाली, ये इसके बॉडी के साथ ग्राउंड होती हैं, बॉडी के साथ ग्राउंड होती हैं। ये VCC की पिनें हैं, एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर। ये एक दो तीन नंबर हैं, यहाँ पे 5 वोल्ट भी लिखा हुआ है, ये एक दो तीन हैं। तो इसमें जो हमारा LVDS कनेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से कनेक्ट होगा, इस तरह से, क्योंकि इसमें जो है 5 वोल्ट हमारे इस साइड पे आएंगे, रेड जो हमारा है वो इस साइड पे है, रेड वायर्स हमारी इस साइड पे हैं, तो इस तरह ये इसमें कनेक्ट होगा। इस चीज़ का हमने ख्याल करना होता है कि इसके 5 वोल्ट जो हैं कहाँ पे आ रहे हैं। तो ये भी आप दोस्तों ने ख्याल करना होता है कि जो इसकी पहली यहाँ से पिन और यहाँ से पहली पिन, ये ग्राउंड होती हैं, ये बॉडी के साथ कनेक्ट होती हैं। आगे वाली जो पिनें होंगी ये आपकी VCC है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लाजमी नहीं है सबके ऊपर लिखा हुआ हो, तो ये चीज़ हमें चेक करनी पड़ती है। तो इस चीज़ की जो है आप तसल्ली कर लीजिएगा।
वैसे जो हमारे यूनिवर्सल ये छोटे जितने भी पैनल हैं, मोस्टली सारे नहीं, मोस्टली जो हैं यूनिवर्सल होते हैं, तो ये वाला जो कनेक्टर है ये इस पे ऐसे ही लगता है और इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। तो इसके अलावा ये जो कार्ड है दूसरी साइड पे, इसके ऊपर जो LVDS के कनेक्शन दिए हुए हैं, ये भी मैं आपको बताता चलूं, ये देख सकते हैं यहाँ पे एरो बना हुआ है, तो एक नंबर जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है। इसके पीछे जो है यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये खाली हैं, हर कार्ड पे नहीं लिखा हुआ होता। इसके जो कनेक्शंस हैं वो भी किसी किसी कार्ड पे लिखे हुए होते हैं, जैसे इस कार्ड पे लिखे हुए हैं। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ, यहाँ से इसका एक नंबर शुरू हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एरो बना हुआ है, यहाँ से एक नंबर इसका शुरू हो रहा है। तो यूं देख लेते हैं, एक नंबर ये हो गया VCC, दूसरा भी VCC, तीसरा भी VCC, इनको हम ऐसे काउंट करेंगे, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर, छः नंबर, ऐसे काउंट करेंगे। एक नंबर VCC हो गया, दो नंबर VCC हो गया, तीन नंबर VCC हो गया, चार नंबर इसका ग्राउंड है, पाँच नंबर इसका ग्राउंड है, छः नंबर इसका NC है, नो कनेक्शन है, फिर आगे जो है इसका आगे इसके डाटा के कनेक्शन शुरू हो जाते हैं। इसके कनेक्शन जो हैं यहाँ पे, इस इन्होंने अपने कनेक्टर के मुताबिक ये वाले कनेक्शन ठीक किए हुए हैं, तो लिहाजा हमने जो इसका इस पे भी जो रेड वायर्स हैं, एक तो ये हमें शो कराती हैं, दूसरा इस पे भी छोटा सा ऐसे पेंट का डॉट लगाया हुआ है, तो ये हमें शो करवाता है कि हमने जो ये है LVDS है हमारा, LVDS कनेक्टर है, इसको इस साइड को उसी साइड पे लगाना है जहाँ पे एरो बना हुआ है, ये वाला एरो बना हुआ है, तो इसको इस तरह कनेक्ट करेंगे हम। ये पूरा 30 पिन का होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं 30 की 30 पिन पूरी कवर हो रही है हमारी, इसको दोनों साइडों से ऐसे प्रेस कर देंगे तो ये हमारा जो है कनेक्टर लग जाएगा। ये हमने कनेक्टर लगा दिया। अब जो है इन कनेक्शंस के मुताबिक यहाँ पे कनेक्शन नहीं होंगे, यहाँ पे जो कनेक्शन होंगे वो आपके पैनल के मुताबिक बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे चार नंबर और पाँच नंबर ग्राउंड आ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखें एक नंबर, तीन, दो नंबर और तीन नंबर, ये VCC बन रहे हैं, आगे वाले तीन छोड़े हुए हैं, तीन ब्लैंक है यहाँ पे, तो ये चार पाँच छः आपके खाली हो गए, सात नंबर पे ये ब्लैक वायर है, इसका मतलब है सात नंबर ग्राउंड है। और अगर आपको याद हो तो हमारे पैनल के कनेक्शन भी ऐसे ही थे, पहले तीन VCC के थे, फिर तीन खाली थे, फिर सातवें नंबर पे ग्राउंड था, तो ये ग्राउंड हो गई, फिर बाद में डाटा के कनेक्शन हैं और दरमियान में कुछ ग्राउंड होते हैं, तो ये कनेक्शन हमारे बिल्कुल ठीक हैं। अगर आपको कभी कनेक्शन चेंज करने पड़ जाते हैं तो आपने यहाँ से कनेक्शन चेंज करने होते हैं, वहाँ से नहीं करने होते, यहाँ से नहीं करने होते, यहाँ से आपने चेंज करने होते हैं। तो इसमें जो है लॉक दिए गए हैं, जैसे ही आप किसी लॉक को यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, तो ये तार आपकी वायर जो है जो भी आप निकालना चाहें बाहर निकल आएगी। तो ये यहाँ से आप जो है इसकी तरतीब चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा जो पिनें लगी हुई हैं, वायर्स लगी हुई हैं वहाँ पे, वो कनेक्शन हैं, जो नहीं लगी हुई वो खाली हैं। तो यहाँ पे आप बना के अपने पैनल में, अक्सर जब बड़े पैनल पे हम ये लगाते हैं कनेक्टर, तो उस वक्त जो हमें थोड़ी सी तरतीब चेंज करनी पड़ती है, मोस्टली केसेस में नहीं करनी पड़ती, लेकिन कुछ केसेस में करनी भी पड़ती है। तो ये एक ज़रूरी आइटम था जो आपको बताना लाजमी था, और इस पे मैंने आपको बता दिया कि कैसे लगेगा, और पैनल पे भी मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारा कैसे लगेगा। तो ये हमारा जो LVDS के कनेक्शन थे, ये हमारा काम आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इस पूरे पैनल और कार्ड की असेंबलिंग करेंगे, पावर सप्लाई के कनेक्शन भी देंगे, इसे पूरी असेंबलिंग करेंगे, उसको लैंप कार्ड को भी अटैच करेंगे, और लैंप कार्ड को कैसे अटैच करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।